अस्सलाम वालेकुम, यह है दुनिया न्यूज और मैं हूं तारिक मतीन। मैं हूं आयशा जुल्फिकार। सबसे पहले दुनिया हेडलाइन। आए रोज फायरिंग, धमाके, गिरती लाशें, लियारी वालों का सब्र जवाब दे गया। घरों को ताले लगाकर सड़कों पर निकल आए, जिंदगी जहन्नुम बन गई, वापस नहीं जाएंगे, चाबियां फेंक दी। अब तो कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं, मैं क्या करूं? मेरी छोटी बहन भी मुझसे छीन ली दहशत गर्दों ने, मेरी अम्मी भी मुझसे छीन ली। लियारी की 12 साल नबीला डॉक्टर बनने की ख्वाहिश दिल में लिए मनो मट्टी तले सो गई। दहशत गर्दों ने बहन भाइयों से मां का साया भी छीन लिया, हर आंख अश्कबार। हुकूमत सिंध को लियारी में कत्लो गारतगरी के बाद कुछ ख्याल आ ही गया। मुख्तलिफ इलाकों में सर्जिकल ऑपरेशन का फैसला। वजीर आजम नवाज शरीफ भी कल कराची पहुंचेंगे, अहम फैसले मुतवक्के। निजाम आज भी कौम की बेटियों को इंसाफ देने में नाकाम। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस की नाकिस तफ्तीश पर ज्यादती के मुलजिम जमानत पर रिहा। मुतासिरा लड़की ने खुद को आग लगा ली। दुनिया न्यूज पर खबर पर SHO समेत 3 अहलकार मुअत्तल। गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ की कल तलबी का हुक्मनामा बरकरार। हसास दारे ने खतरे से अदालत को आगाह कर दिया। क्या सिक्योरिटी खदशात फिर मुशर्रफ को बचाने के काम आ जाएंगे? तालिबान शूरा FR बनू में हुकूमती कमेटी से मुजाकरात करने पर राजी। तालिबान कमेटी से जंग बंदी में मजीद तौसी पर बातचीत जारी। थरपारकर के रेगिस्तान में हर तरफ बेबसी, लेकिन हुकूमत सिंध मैना मानू की रट पर कायम। ताज हैदर ने भी सारा मलबा मीडिया पर डाल दिया। वजीर आला सिंध के आबाई जिला खैरपुर में हेपेटाइटिस सी वबाई शक्ल इख्तियार कर गया। तहसील गंबट में 90,000 अफराद मर्ज का शिकार। क्या हुकूमत को थर जैसी सूरत हाल का इंतजार है? महंगाई की चक्की में फिसे आवाम को एक और झटका। बिजली की कीमतों में 2.24 रूपए फी यूनिट इजाफा। नई कीमतों का इतलाक आइंदा महीने से होगा। मलाइशिया के बदकिस्मत तैयारे का छठे रोज भी कुछ पता ना चल सका। पेंटागन का कहना है कि तैयारा बहरे हिंद में गिरने के इशारे मिले हैं। मलबे तक पहुंचने में 24 घंटे लग सकते हैं। बूम बूम आफरीदी ने नाकिस फील्डिंग को कौमी टीम का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। कहते हैं वर्ल्ड T20 में कामयाबी से तमाम नकायस दूर करना होंगे। मालम जब्बा के बर्फपोश पहाड़ों पर हर तरफ स्नो फेस्टिवल के रंग। दूसरे रोज स्कीइंग के दिलचस्प मुकाबले।